ऑलराइट, हमेशा हम स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं लैपटॉप्स के बारे में एंड टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं। जी हां, बाय द एंड ऑफ द वीडियो अगर मैं जो कुछ भी आपको बताता हूं वो अगर आप आपके मशीन के साथ, पीसी के साथ, लैपटॉप के साथ करते हो, आई विल टेल यू व्हाट, एटलीस्ट 30% आपका जो पीसी है वो स्पीड अप हो जाएगा, आपका जो लैपटॉप है वो स्पीड अप हो जाएगा, आपका जो विंडोज है स्पीड अप हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसीलिए ध्यान तक एंड तक देखिए वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले दोस्तों एक चीज मैं बताने वाला हूं, जब आप एक विंडोज कंप्यूटर चालू करते हो, वेदर इट इज अ विंडोज लैपटॉप और विंडोज कंप्यूटर, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना भूल जाते हैं। आपका जो पावर मोड होता है जनरली एफिशिएंसी पे होता है, बैलेंस पे होता है, परफॉर्मेंस पे होता है, ऐसे तीन अलग अलग मोड्स वगैरह होते हैं, कभी कभी ज्यादा भी होते हैं, तो उधर आप परफॉर्मेंस मोड में रखिए जब आप स्पेशली पावर्ड इन हो। तो अगर बैटरी आपकी लैपटॉप है, बैटरी पे है, तो आप बैलेंस्ड वगैरह रख पाओगे, वरना पावर मोड हमेशा परफॉर्मेंस में रखिए, पीक परफॉर्मेंस पे आपका जो कंप्यूटर है वो चलेगा। बहुत बार ऐसे होता है यू आर वेटिंग फॉर एप्स टू ओपन, क्योंकि आपका जो पीसी है दोस्तों वो बैलेंस मोड पे है या फिर इट इज ऑन अ नॉन परफॉर्मिंग मोड जहां पे बैटरी एक्सटेंड होगी, तो परफॉर्मेंस मोड पे रखिए और देखिए परफॉर्मेंस डिफरेंस कितना आपको नजर आता है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों, मैं हर 3-4 महीने में ये चेक करता हूं, स्टार्टअप प्रोग्राम, जब आप आपका जो पीसी है उसे बूट करते हो, सबसे स्टार्ट में अगर स्लो हो गया तो डेफिनेटली स्टार्टअप प्रोग्राम्स कौन से रन हो रहे हैं ये जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई नहीं चाहिए तो डिलीट कर दीजिए। जब आप नया कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, बहुत बार स्टार्टअप में चला जाता है वो और बैकग्राउंड में चालू रहता है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस में डिफरेंस पड़ता है, स्टार्टअप में भी और परफॉर्मेंस में भी। तो स्टार्टअप प्रोग्राम्स कौन से हैं जरूर देखिए, जितने चाहिए उतने ही रखिए। वैसे ही दोस्तों मैं फाइल्स के बारे में भी कहूंगा, जनरली आजकल 1 TB हार्ड डिस्क हो गई है सभी लोगों के पास, फिर भी ऐसे होता है कि बहुत जो पुराने फाइल्स होते हैं जो आपको जरूरत भी नहीं है वो जमा होते जाते हैं, और उसकी वजह से परफॉर्मेंस में डेफिनेटली डिफरेंस पड़ता है। तो जैसे मैंने स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में कहा, वैसे ही आपके फाइल्स के पास भी देखिए। इनफैक्ट विंडोज में स्टोरेज सेंस नाम का एक फीचर आता है, वो आपको बेसिकली एक डैशबोर्ड देता है कि कितनी पुरानी फाइल्स हैं, कब से आपने इस्तेमाल नहीं की है, वो आप देखिए उस हिसाब से जो स्टोरेज वगैरह है वो स्टोरेज नहीं, आपकी जो फाइल्स है वो डिलीट कीजिए, ताकि आपके जो स्टोरेज है वो ज्यादा मिल सके और क्लीन हो सके। और एक बात याद रखिए, 3 से 6 महीने में एक बार डीफ्रैग जरूर कीजिएगा। मतलब फाइल्स वगैरह डिलीट कर दिए, लेकिन याद रखिए आप सेव करते हो, डिलीट करते हो, सेव करते हो, डिलीट करते हो हार्ड डिस्क पे, तो वो रहते हैं, वो दिखते नहीं है आपको लेकिन वो रहते हैं, तो डीफ्रैगमेंटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि एक ही जगह पे सब आपके फाइल्स हो, तो एक्सेस जब आप कर रहे हो, रीड या राइट कर रहे हो, तो एक ही जगह पे हो जाए, उसकी वजह से आपका जो पीसी है वो फास्टर होगा। और एक चीज, जनरली स्मार्टफोन्स में क्या होता है, जब कोई प्रोग्राम का अपडेट आ जाता है दोस्तों, इमीडिएटली हमें पता चलता है, विंडोज का इतना सीधा नहीं है। बहुत बार हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसके अपडेट्स, 2 या 3 अपडेट्स आ जाते हैं, फिर भी हम पुराने सॉफ्टवेयर पे ही रहते हैं। प्लीज ऐसे मत कीजिए, जब नया कोई वर्जन आता है, नया कोई अपडेट आता है, प्लीज अपडेट देम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जाके चेक कीजिए, देखिए कम से कम आपके 20-30% जो प्रोग्राम्स हैं वो अपडेट्स उनके आए हुए होंगे और आपने अपडेट नहीं किए, गो एंड चेक राइट नाउ। और दोस्तों आजकल एंटीवायरस वगैरह इस्तेमाल करने की, एंटी मैलवेयर थर्ड पार्टी जो एप्स होते हैं वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, विंडोज डिफेंडर इज वेरी स्ट्रांग, ये विंडोज में आता है, अगर आपने एक विंडोज का लैपटॉप लिया है तो आपको विंडोज डिफेंडर उसके अंदर आया हुआ है, वो जो है वो चेक कीजिए, उतना ही रखिए, ज्यादा दूसरे जो थर्ड पार्टी है मत इंस्टॉल कीजिए, इनफैक्ट दे विल स्लो डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ योर लैपटॉप और योर पीसी, तो विंडोज डिफेंडर इज मोर देन इनफ फॉर एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर, ये सब चीजों के लिए। और एक सबसे बड़ी चीज जो हम सभी करते हैं दोस्तों, क्रोम इस्तेमाल करते हैं, और क्रोम इज पावर रिसोर्स हंगरी। जी हाँ, इतना ज्यादा रिसोर्स हंगरी है, पूछिएगा मत। आप अगर रिसोर्स मॉनिटर पे जाओगे दोस्तों तो एक ही आपका टैब ओपन होगा, लेकिन अगर आप देखोगे कितने सारे क्रोम के सामने आते हैं, आप जाके देखिए रिसोर्स मॉनिटर में, ओ माय गॉड, क्रोम ईट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, सीरियसली, रैम के भी, रोम के भी, मतलब रैम या रोम नहीं, सीपीयू एंड रैम के, सो उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो इनफैक्ट स्विच टू अनदर ब्राउजर मैं तो कहूंगा। और हाँ दोस्तों, बहुत बार हार्डवेयर लिमिटेशन भी होता है, रिसोर्स मॉनिटर पे आप जाओगे और हमेशा आपकी जो रैम यूटिलाइजेशन है वो 70-80-90% है, इसका मतलब इट इज टाइम टू अपग्रेड योर रैम, अगर 8 GB है तो उसे 16 या 12 GB कर दीजिए, 4 GB है तो उसे 8 GB कर दीजिए, उससे ज्यादा कर दीजिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो कि आइडियली नॉर्मल यूजर के लिए, हैवी यूजर नहीं, नॉर्मल यूजर के लिए कितनी रैम होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कम से कम 8 GB होनी चाहिए, आजकल 4 GB इज नॉट इनफ, स्पेशली लैपटॉप
लैपटॉप यूजर्स बहुत सारे लोग जैसे स्मार्टफोन पे करते हैं दोस्तों, ऐसे लाइव वॉलपेपर वगैरह इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन पे, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आप आपके लैपटॉप पे करते हो। बट याद रखिए, ये सब जो चीज़ें होती है, कस्टमाइजेशन जो होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्स पे अफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है। तो जितना हो सके आपका जो सेटअप है सिंपल रखिए, प्लेन बैकग्राउंड रखिए, उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। और हाँ, जैसे फाइल्स आप डिलीट करते हो दोस्तों, वैसे ही अगर कोई प्रोग्राम आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, साल में एक आध बार इस्तेमाल करने वाले हो, तो वो जो पुराने सब होते हैं प्रोग्राम्स वगैरह, उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए। सीरियसली कह रहा हूँ, दे अफेक्ट योर परफॉर्मेंस या फिर योर पीसीज परफॉर्मेंस अ लॉट। और एक चीज़ दोस्तों कहना चाहूँगा, बहुत बार ऐसे होता है कि हम दिन भर काम करते हैं, रात को बिना शटडाउन किए हुए सो जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं फिर से चालू करते हैं। कीप अ साइकिल, एक साइकिल कीजिए कि 24 घंटे में कम मैं एक बार रिस्टार्ट बंद चालू करने वाला हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट कीप इट ऑन फॉर एवर। बहुत बार लोग करते हैं, सिर्फ बंद नहीं करते, सिर्फ जो लैपटॉप का लीड होता है वो बंद कर देते हैं, लेकिन मशीन चालू होता है, उसकी वजह से भी बहुत डिफरेंस पड़ता है। तो स्टार्ट एंड शट डाउन, ये बहुत जरूरी है, याद रखिए। दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे बहुत सिंपल चीजें थी लेकिन करते नहीं है, दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर वीडियो टू यू, सो दैट आपका जो लैपटॉप है पीसी है ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर सके एंड यू कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर मशीन। वैसे ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं है कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।